चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 308 साल बाद इस्लाम नगर अब जगदीशपुर हुआ है। सरकार के राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र ने पहले ही जगदीशपुर को लेकर अधिसूचना जारी की थी। 17 साल पहले ग्राम पंचायत ने सरकार को पत्र लिखा था और लिखा था कि उन्हें जगदीशपुर नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, और अब 308 साल बाद इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर एक बार फिर कर दिया जाएगा। सरकार के राजस्व विभाग ने अधिसूचना इसे लेकर जारी भी कर दी है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता विवेक राणा का। विवेक, 308 साल बाद इस्लाम नगर का अब दोबारा से नाम जगदीशपुर हो जाएगा। जी विवेक, चलिए तकनीकी खामी के चलते फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कभी रियायत हुआ करती थी और इसकी राजधानी यहाँ की फंदा जनपद स्थित ग्राम पंचायत इस्लाम नगर की थी, और इसका नाम जगदीशपुर करने के लिए लंबे समय से पंचायत से लेकर आला स्तर पर प्रयास चल रहे थे, और आखिरकार इसका नाम अब इस्लाम नगर से जगदीशपुर एक बार फिर कर दिया गया है। 308 साल बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार के राजस्व विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने अधिसूचना के साथ इसे जारी कर दिया है। सरकार ने इस्लाम नगर के नाम को बदलकर जगदीशपुर कर दिया है, जो कि इसका पुराना नाम था, जिसे सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने सन 1715 ईस्वी में बदलकर इस्लाम नगर कर दिया था। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, 308 साल बाद इस्लामनगर एक बार फिर जगदीशपुर हुआ है। जी विवेक, चलिए फिलहाल तकनीकी खामी के चलते एक बार फिर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि सरकार के राजस्व विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है और इस्लाम नगर अब जगदीशपुर के नाम से एक बार फिर पहचाना जाएगा। 308 साल बाद जगदीशपुर का नाम इसे एक बार फिर दे दिया गया। केंद्र ने पहले ही जगदीशपुर को लेकर अधिसूचना जारी की थी और 17 साल पहले ग्राम पंचायत ने भी सरकार को इसे लेकर पत्र लिखा था।